युजवेंद्र चहल अब गेंदबाज की जगह ऑलराउंडर बन गए और कह रहे हैं तुमने हमको गेंदबाज के तौर पर इज्जत नहीं दी, अब ऑलराउंडर के तौर पर हम फुल इज्जत मांगते हैं। अपने को मांगता फुल इज्जत दोगे तो ठीक, नहीं तो बताओ। हाँ यही हो रहा गुरु। युजवेंद्र चहल हालांकि बड़े किस्मत वाले लेकिन अनफॉर्चुनेट वाले भी खिलाड़ी हैं। किस्मत इसलिए कि रोहित शर्मा ने दोस्ती में खिला लिया था शुरू में, भाई थे बड़े, फिर विराट के साथ लंबे समय खेले। अनफॉर्चुनेट इसलिए क्योंकि मुंबई इंडियंस में भी ठीक थे और आरसीबी में तो वो कमाल थे, अपने टैलेंट के दम पर पूरा जस्टिफाई किया था अपना सिलेक्शन, लेकिन फिर उनको बैक नहीं किया गया। बाद में टीम इंडिया में भी उनको बैक नहीं किया गया और इसका असर ये रहा कि धीरे 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 वो गायब हो गए। आईपीएल में अच्छा करने के बाद सिलेक्शन उनका हुआ था इंटरनेशनल टीम में, लेकिन फिर उनको नहीं मौका दिया गया कॉन्स्टेंटली और अब वो टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन चहल ने कहा कि ठीक है भैया, गेंदबाज के तौर पर नहीं मिलेगी फुल इज्जत तो ऑलराउंडर के तौर पर चाहिए फुल इज्जत। और उसके बाद 152 गेंद यूपी के सामने खेलकर युजवेंद्र चहल ने अपने करियर का हाईएस्ट रन बनाया 48, 50 से 2 रन चूक गए। रैना से लेके जॉस बटलर तक के कान से धुआं धुआं निकला कि भाई साहब था क्या और क्यों था, कैसे था, किस लिए था। लेकिन चहल तो चहल की बैटिंग की चर्चा फिलहाल दुनिया भर में चल रही है। हरियाणा के लिए 10 नंबर पर बैटिंग करने आए और क्या बढ़िया टुक 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 खेल खेल कर अपने फर्स्ट क्लास करियर की सबसे बड़ी पारी खेल दी। हाँ चहल को यही कहा था ना कि यार तुमको नहीं खिलाएंगे क्योंकि तुम बैटिंग नहीं कर पाते हो। चहल को आधे टाइम तो इसीलिए बाहर बिठाया जाता है कि तुम बैटिंग नहीं कर पाते हो। चहल कह रहे हैं लोग हम बैटिंग कर रहे हैं, बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। 152 गेंदों पर 48 रन की पारी खेली और ज़बरदस्त पारी खेली और चहल का सिलेक्शन जो है वो यहाँ हुआ था हरियाणा की टीम से यूपी के सामने और एक दो नहीं बल्कि 6 चौका मारे। हमने कहा यार एक बार मतलब है यार, बढ़िया यार चहल भाई बढ़िया करें। 48 रन 152 गेंदों में, वो चहल जिनका लोग मजाक उड़ा सोशल मीडिया पर कि बल्ला पकड़ना नहीं आता। और इसी के बाद मीम्स की बौछार आ गई, सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बौछार आ गई। किसी ने कहा कि देयर इज नो बेटर बैट्समैन देन युजवेंद्र चहल इन द वर्ल्ड, ये सारी चीज चलने लगी। किसी ने लिखा कि व्हेन द लाइटेस्ट आर हाईएस्ट, प्रेशर इज लाउडेस्ट, क्राउड इज ब्राइटेस्ट, द ग्रेटेस्ट टू एवर होल्ड द बैट विल अराइव द मैन द मिथ द लेजेंड युजवेंद्र चहल। किसी ने कहा युजवेंद्र चहल सर ने प्रॉपर टिपिकल टेस्ट इनिंग खेली 48 रन की। किसी ने कहा चहल ब्रैडमैन लगा दो अब, कोई चहल पुजारा कर रहा था। मतलब हो भी रहा है बढ़िया यार, हम और आप तो कर ही रहे हैं, बड़े बड़े आदमी भी कर रहे हैं। जैसे रैना भाई ने लिख दिया वाह उस्ताद वाह। जॉस बटलर जो है वो भी रोक नहीं पाए, जॉस बटलर ने पूछा भैया कितना बना ले गए। लेकिन चहल का जलवा तो है, लेकिन जलवा इंडियन टीम में देखने को नहीं मिल रहा। T20 वर्ल्ड कप 2024 के विजेता युजवेंद्र चहल एक मैच भी नहीं खेल पाए थे, या कहें कि आज तक चहल कभी भी T20 वर्ल्ड कप में एक मैच नहीं खेल पाए। उनके साथ दो चीजें होती, या तो उनका सिलेक्शन नहीं होता है, और सिलेक्शन होता है तो खिलाया नहीं आता है। आप देख लीजिए 2020-21 से हर वर्ल्ड कप की कहानी है, या तो उनको ले ही नहीं जाया जाएगा, और ले जाया जाएगा तो बेंच पे पानी पिलाने का काम दिया जाएगा, समाज सेवा करवाया जाएगा। हालांकि चहल हार नहीं मान रहे, लगातार लगे पड़े हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। रणजी ट्रॉफी 2023-24 के सीजन में चहल गेंद की जगह बल्ले इस्तेमाल कर रहे हैं, 152 गेंदों पर 48 रन, उनकी फर्स्ट क्लास करियर का ये बेस्ट स्कोर है। 6 चौके ही मारे, लखनऊ मैच चला था, चहल ने भी लिखा थैंक यू लखनऊ। 10 नंबर पर उतर कर धीरू सिंह के साथ ये पारी खेली थी और बढ़िया पारी थी, अच्छा रहा। 453 तक हरियाणा पहुंची। चहल हालांकि इस मैच में गेंदबाजी में कमाल नहीं कर पाए, रिंकू सिंह ने काफ़ी उनको पीटा भी है, 11 ओवर में 57 रन पिटे, लेकिन ठीक है बैटिंग में बढ़िया चला, गेंदबाजी में थोड़ी पिटाई हुई। रिंकू उंकू ने मारा उनको, यूपी बैट्समैन भी तगड़े हैं, लेकिन गेंदबाजी जो थी वो अभी फिलहाल साइड की बात है, बैटिंग चर्चा में थी, तगड़ी चर्चा में चल रही है। यूपी की टीम हालांकि शुरू में खराब खेली थी, 43 पर 3 था, फिर रिंकू सिंह ने बढ़िया खेला, 10 चौका 3 छक्का, 89 रन की पारी खेली, उसी में चहल की पिटाई की थी उन्होंने। रिंकू सिंह ने चहल के 20 गेंदों में 25 रन कूटे, चहल ने 11 ओवर 57 दिए, यानी बहुत रन जो है वो अकेले ये पिटे। बट अगेन गेंदबाजी तो चलो वो कवर कर लेंगे, एक मैच पिटे अगले में आ जाएंगे, लेकिन बैटिंग में भाई चहल भाई की 48,
क्या कहें, 100 इज कमिंग सून बाय द मैन द मिथ द लेजेंड युजवेंद्र चहल, क्या बोलती पब्लिक।